हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो देखिए, मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत एनुअल क्रिसेंथेमम की फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। बहुत अच्छे से सारे फ्लावर खिलने लगे और बर्ड्स भी इतनी आई है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर हैं कि दिल आ जाता है इन पर। बहुत ही सुंदर लगता है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग दे रहे हैं मुझे। देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए है ना फ्रेंड्स। ये देखिए यूफोर्बिया मिली, कितना सुंदर कितना प्रीटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैं फरवरी में इसकी कटिंग भी लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए नस्टेशियम भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, देखिए चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पे भी बर्ड्स भी हैं, खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है अंदर अंदर। देखिए देखिए सारे फ्लावर छुपे हुए हैं। खूबसूरत डहलिया भी अब खिलने लगी है, देखिए ये कितना प्यारा कलर है, ये कितना प्यारा कलर है, देख सकते हैं। सब मुरझा रहे हैं, मैं कट करूंगी इनको। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा सा रोज खिला है। ये देखिए नस्टेशियम के फ्लावर, ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं। ये देखिए और कैलेंडुला देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। देखिए एक दो तीन, देखिए ये देखिए कीड़ा लग रहा है, मैं हटाऊंगी अभी इसको। देखिए ये कहाँ से आया, पूरा प्लांट ख़राब कर देगा मेरा। ये देखिए एक, देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, दूर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पास से मैं दिखाती हूँ इसके फ्लावर कितने खूबसूरत हैं, देखिए देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से कैलेंडुला में फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कैलेंडुला की फ्लावरिंग, देख सकते हैं आप। एलाइसम भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साल्विया वर्बीना भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी कैलेंडुला है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा है। देखिए मुझे वाटरिंग करना है, सारी मिट्टी मेरी सूख चुकी है तो प्लांट्स में पानी कम देना है फ्रेंड। तो अब मैं इसमें वाटरिंग कर सकती हूँ फ्रेंड। और देखिए ये अगर मैं एक दिन वाटरिंग ना करूँ तब भी ये चल जाएगा, मगर इसको मुझे वाटरिंग करना ज़रूरी हो गया है। मेरे बहुत से प्लांट में आज मुझे वाटरिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना सारे प्लांट्स मेरे मुरझा जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इतने बिग साइज के ये फ्लावर देता है मुझे कि बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये तो मुरझा गए हैं, अब ये न्यू खिल रहे हैं। देखिए कलर बड़े प्यारे प्यारे हैं फ्रेंड्स, पैंसी के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये देखिए ये रहा मेरा शिफ्लेरा, ये देखिए यहाँ पे है मेरे कोलियस के कलेक्शन, देख सकते हैं आप। देखिए ये देखिए जेरेनियम में मेरे बर्ड्स आ गए, मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारा लगता है। इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे ही अच्छी लगती है। देखिए छोटे से पॉट में लगा था मैंने, इसको चेंज नहीं किया, मेरे पास पॉट नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें भी बर्ड्स आ गई है, ये फरवरी में फ्लावरिंग करने वाला है। ये एनुअल क्रिसेंथेमम है फ्रेंड, इसमें भी बर्ड्स आ गई है, ये भी फ्लावरिंग अब देने वाला है। ये देखिए हमारा ये क्रिसेंथेमम अब ख़त्म है फ्रेंड, मेरे पास क्रिसेंथेमम नहीं है, सारे जो थे खिल चुके हैं। ये है प्राइम रोज, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत। ये है नस्टेशियम, इसमें भी बर्ड्स आ गई है। ये देखिए ये है मेरे पास पिटूनिया की वैरायटी, देख सकते हैं बहुत सी पिटूनिया हैं अभी खिल रही है फ्रेंड, बर्ड्स आ गई है। ये देखिए पैंसी बहुत अच्छे से, देखिए कितना खूबसूरत पॉट पूरा भरा हुआ है फ्रेंड फ्लावर से। और देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं, ये कलर भी देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है पैंसी मुझे। और मैं फरवरी में सब पे फिर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। डेजी देख सकते हैं आप, ये देखिए क्रिसेंथेमम, ये सब खराब हो चुके हैं, कुछ अभी खिल रहे हैं देख सकते हैं आप। ये है मेरा छोटा सा गार्डन जरबेरा में, देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फ्लावर खिले, इसमें एक खिला है, बाकी बर्ड्स है। और देखिए क्रिसेंथेमम, ये देखिए पिटूनिया के कितने प्यारे प्यारे कलर हैं फ्रेंड्स। मुझे वाटरिंग करनी है, सारे प्लांट मेरे मुरझा रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए डॉग फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये रानी कलर का है। ये देखिए पिटूनिया,
देखिए, और सारे मैंने कट कर दिए हैं, कली तो किए हैं, और अब देखिए फिर से फ्लावरिंग बड्स बनी हुई हैं और सारे ओपन होने वाली हैं, देख सकते हैं आप। इसमें भी देखिए कट करना है, इस तरह से आप हटाते रहिए जो सूखे फ्लावर हैं यहाँ से, इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। काफ़ी फ्लावर देखिए कट करने में, सीजर लाना भूल गई, ये देखिए, ठीक है। एक ये देखिए, ये भी है, इसको भी मुझे कट करना है, देख रहे हैं। ये है हमारा खूबसूरत सिनेरेरिया। ये स्टॉक में देखिए फिर से बर्ड्स आ गई, गुलदाउदी, डायंथस, ये देखिए यनवल क्रिसेंथेमम, ये देखिए कितने बिग साइज का है, देख रहे हैं। ये एक बॉटल में लगा हुआ है फ्रेंड, और देखिए इसके फ्लावर की साइज देख सकते हैं आप, कितने बिग साइज के आ रहे हैं। एस्टर भी लगे हुए हैं उधर, इधर देखिए मेरा खूबसूरत बिगोनिया, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बर्ड्स आ रही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।